Assalamu alaikum students, in today's lecture we will be starting the discussion about half wave rectification, full wave rectification और इसी तरीके से we will be discussing कि full wave rectification में किस तरीके से हम ब्रिज network भी use कर सकते हैं और center tapped transformer भी use करके full wave rectification achieve कर सकते हैं. So we start our discussion of half wave rectification. यहाँ पे बेसिकली वी विल बी डिस्कसिंग हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कंसिडरिंग दी डायोड एनालिसिस कि जहाँ पे हम अपनी जो टाइम वेरिंग फंक्शन है कि हाउ दी टाइम वेरिंग फंक्शन बेसिकली जैसे कि हमारे पास साइनोसॉइडल वेव हो गई या स्क्वायर वेव हो गई किस तरीके से डायोड की वजह से बेसिकली वी विल हैव अ टाइम वेरिंग फंक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाइम एक्सेस के अक्रॉस. सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दैट. सो जो सबसे ज़्यादा सिंपल नेटवर्क जो कि हम कंसिडर करेंगे जो कि टाइम वेरिंग सिग्नल के तौर पर अपेयर हो सकता है दैट कैन बी सीन इन फिगर 2.44. और इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे आइडियल डायोड या आइडियल मॉडल यूज़ करेंगे यानी आइडियल डायोड उसमें कंसिडर किया जाएगा ताकि हमारे पास जो एडिशनल कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बिकॉज ऑफ एनी अदर डायोड लाइक सिलिकॉन जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड उसको हम अवॉइड कर सकें. सो एज़ यू कैन सी इन फिगर 2.44 यहाँ पे एक पूरे साइकिल में जैसे कि हम साइनोसॉइडल वेव देख रहे हैं सो वी नो के ओवर वन कम्प्लीट साइकिल जो इसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं कैपिटल टी से. तो इस पूरे सिग्नल का अगर मैं एवरेज सम लूँ बिकॉज इट इज़ इन द फर्स्ट नेगेटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल इन द नेगेटिव हाफ साइकिल सो द एवरेज वैल्यू इज़ बेसिकली ज़ीरो. एंड इन फिगर 2.44 यू कैन ऑल्सो सी द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड हेयर इन दिस पर्टिकुलर रेक्टिफायर जो हमारा आउटपुट साइड है वहाँ पर जो वेव फॉर्म जनरेट होगी दैट वी कॉल इज़ वी नॉट जो कि बेसिकली इट विल हैव एन एवरेज वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर यूज़. सो बेसिकली इनिशियली इफ़ यू डिस्कस अबाउट दिस रेक्टिफिकेशन इज़ बेसिकली व्हेन वी ट्राई टू कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू अ पल्सिएटिंग डीसी सिग्नल इसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं एंड द सर्किट दैट डू दिस टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन इज़ कॉल्ड रेक्टिफायर. तो यहाँ पे अभी जो है हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन या हाफ वेव रेक्टिफायर की जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूँ तो यहाँ पे जो डायोड यूज़ होते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में उनकी जो पावर या करंट रेटिंग है वो कंपेरेटिवली टू अदर एप्लीकेशंस यानी जैसे कंप्यूटर्स में इस्तेमाल है और इसी तरह कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर डायोड्स का इस्तेमाल है और दूसरी एप्लीकेशंस के अंदर तो उनके मुकाबले में रेक्टिफायर की जो अंदर डायोड यूज़ होते हैं उनकी जो पावर और करंट रेटिंग है वो टिपिकली हायर होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर एप्लीकेशंस वेयर वी आर यूजिंग डायोड. सो इफ वी कैन अगेन सी इन फिगर 2.44 जहाँ पे हमारे पास जो वी आई इनपुट सिग्नल है अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो बेसिकली इन दैट पर्टिकुलर इनपुट द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है हमारा जो कि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और टी बाई टू तक जा रहा है बेसिकली दैट वी आर सेइंग के इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अगर देखें तो वहाँ पे जो पोलैरिटी है अप्लाइड वोल्टेज वी आई की इट इज़ बेसिकली द पॉजिटिव वोल्टेज लेवल या पॉजिटिव वोल्टेज वैल्यू जो कि हमारी अगर हम डायोड की डायरेक्शन को देखें और उसकी पोलैरिटी जो अपेयर हो रही है डायोड के ऊपर सो वी कैन से के इन दिस पर्टिकुलर केस हमारा जो डायोड है दैट इज़ बेसिकली इन द ऑन स्टेट ड्यू टू दैट पॉजिटिव इनपुट या पॉजिटिव इनपुट साइकिल ऑफ द वोल्टेज. सो दैट इज़ वाई हमने अपना जो 2.45 में इक्विवेलेंट सर्किट वहाँ बनाया है 2.4 के अंदर जो कि बेसिकली कंडक्शन रीजन है फ्रॉम 0 टू टी बाय 2 तक. सो उस जगह पे हमने डायोड को जो है वो एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया है
एंड ड्यू टू दैट इक्विवेलेंट सर्किट जहाँ पे हमने इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया है, इट इज़ ऑब्वियस कि जो हमारा आउटपुट सिग्नल है दैट विल बी एग्जैक्टली द सेम कॉपी और रेप्लिका ऑफ द अप्लाइड इनपुट. यानी जितना इनपुट हमने अप्लाई किया है सारा का सारा वोल्टेज जो है वो कॉपी होगा और वी नॉट यानी आउटपुट वोल्टेज जो है विल बी एग्जैक्टली द सेम. सो यू कैन सी इन फिगर 2.45 के हमारे पास जो यहाँ पे उसका कर्व हमें नज़र आ रहा है या सिग्नल नज़र आ रहा है, वी हैव द सेम सिग्नल एज वी आर गेटिंग इन द इनपुट साइड 0 to T/2 बिकॉज दैट डायोड इज़ इन द फॉरवर्ड बायस और उसको हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, जिसकी वजह से तमाम वोल्टेज जो है दैट विल बी अपेयरिंग एट द वी नॉट यानी आउटपुट की तरफ. सो हेयर बेसिकली जो वी कैन सी के द टू टर्मिनल्स दैट आर डिफाइनिंग द आउटपुट वोल्टेज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अप्लाइड जो सिग्नल था हमारा थ्रू दिस शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट जो कि डायोड की वजह से हमने यहाँ पे उसके फॉरवर्ड बायस होने की वजह से यहाँ पे हमने उसको इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्लेस किया है. सो आफ्टर डिस्कसिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज, अब हम यहाँ पे जो कंसिडरेशन है हमारी वो ये के नाउ वी विल बी कंसिडरिंग द इनपुट वोल्टेज फ्रॉम T/2 to T एज यू कैन सी इन दिस फिगर 2.44. तो यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल है, बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव साइकिल हमारे पास जो पोलैरिटी है इनपुट की यानी VI इनपुट की जो पोलैरिटी है जो कि 2.46 में अगर आप देखें, सो बेसिकली ड्यू टू दैट नेगेटिव साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज तो जो रिजल्टिंग पोलैरिटी है अक्रॉस द आइडियल डायोड वो इसको बेसिकली रिवर्स बायस या ऑफ स्टेट की स्टेट में लेके जा रहा है, जिसकी वजह से अगर हम देखें 2.46 के अंदर हमने इस डायोड को रिप्लेस कर दिया है ओपन सर्किट इक्विवेलेंट से. बिकॉज ऑफ दैट ओपन सर्किट वी नो के जी नाउ अगर हम अपने रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आउटपुट वोल्टेज वी नॉट मेजर करें, सो बिकॉज ऑफ दैट वोल्टेज विच इज़ बेसिकली आउटपुट वोल्टेज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस विल बी ज़ीरो बिकॉज वी नॉट इज इक्वल्स टू आई इनटू आर. तो यहाँ करंट ज़ीरो है बिकॉज ऑफ दैट ओपन सर्किट इक्विवेलेंट. और जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज भी जो है वो ज़ीरो वोल्ट नज़र आ रहा है फॉर द पीरियड के जहाँ पे T/2 से लेके T तक सिग्नल अप्लाई हुआ है इनपुट का. सो सिमिलर थिंग दैट यू कैन सी इन 2.46 का जो आउटपुट रिस्पांस है के पिछले केस में जो हमने बात की थी पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो ज़ीरो से T/2 तक था, वहाँ तो बेसिकली यू विल गेट द रेप्लिकेशन और द सेम लेवल ऑफ इनपुट जो था वो आउटपुट पे आपको मिल रहा होगा. लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर केस जहाँ पे डायोड ऑफ स्टेट पे है और ओपन सर्किट से हमने इसको रिप्लेस कर दिया है, तो यहाँ हमारे पास बिकॉज के जी ओपन सर्किट है हमारे पास करंट ज़ीरो है और इसीलिए रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट विल बी ज़ीरो. सो यू कैन सी इन द रिस्पॉन्स ऑफ दिस हाफ वेव रेक्टिफायर कि जहाँ हमने एक टोटल रिस्पॉन्स को इनपुट रिस्पॉन्स को साइनसॉइडल इनपुट को कंसिडर किया एंड वी हैव सीन के फॉर द पॉजिटिव साइड हमारे पास जो डायोड है वो ऑन स्टेट पे रहा जिसको हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया एंड फॉर द नेगेटिव साइन या नेगेटिव फेज हमारे पास जो रिस्पॉन्स है दैट इज़ बेसिकली कि हमने ओपन सर्किट से क्योंकि डायोड ऑफ कंडीशन में था तो इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे T/2 से लेके T तक का जो रिस्पॉन्स है वो बेसिकली आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमें ज़ीरो मिल रहा है एज शोन इन फिगर 2.46. सो एज़ यू कैन सी इन दिस फिगर बेसिकली फिगर 2.47 जहाँ पे हमने जो वोल्टेज इनपुट VI है एंड वी नॉट है दोनों को एक साथ बेसिकली हमने स्केच किया है आफ्टर गेटिंग द आउटपुट फ्रॉम द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. सो जो आउटपुट सिग्नल है वी नॉट दैट हैज़ बेसिकली नाउ द नेट पॉजिटिव एरिया विच इज़ अबव द एक्सेस
और उस वो बेसिकली वी कैन सी के इट इज़ ओवर अ फुल पीरियड एंड एन एवरेज वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ जो 2.47 में हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल हमें शो है, सो दैट वैल्यू विल बी इक्वल वी डी सी इज़ इक्वल टू 0.318 बिकॉज वी नो के बेसिकली वी डी सी इज़ इक्वल टू वी एम ओवर पाए बिकॉज ऑफ दिस साइनोसॉइडल सिग्नल. तो यहाँ पे जो बेसिकली जो प्रोसेस है ऑफ रिमूविंग वन हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल जो हमने देखा था कि जी किस तरीके से हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को जो कंसिडर करते हैं इनपुट सिग्नल को और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है दैट विल बी ज़ीरो. सो इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन वी नो के जी जो हमारे पास वन हाफ है इनपुट सिग्नल का दैट हैज़ एस्टेब्लिश्ड अ डीसी लेवल विच इज दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. और इस इफेक्ट को अगर हम कंसिडर करें इन टर्म्स ऑफ सिलिकॉन डायोड तो वी नो के जी यहाँ पे नी वोल्टेज सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट हमारे पास मौजूद होता है. सो वी कैन कंसिडर के 2.48 में जिस तरीके से हमारे पास जो रिस्पॉन्स शो हो रहा है फॉर फॉरवर्ड बाइज रीजन, सो जो अप्लाइड सिग्नल है नाउ इट मस्ट बी एटलीस्ट 0.7 वोल्ट बिफोर द डायोड कैन टर्न ऑन. तो 0.7 वोल्ट के बाद वी नो के जी डायोड विल टर्न ऑन. तो जो लेवल है इनपुट का वी आई दैट विल बी लेस देन 0.7 वोल्ट और डायोड जो है वो स्टिल इन दिस पर्टिकुलर स्टेट विल बी एन ओपन सर्किट स्टेट और वी नॉट जो है वहाँ पे हमारे पास 0 वोल्ट कंसिडर किया जाएगा. सो फॉर द कंडक्शन हमारे पास जो डिफरेंस है वी कैन सी के जब हम सिलिकॉन डायोड कंसिडर करते हैं तो जो डिफरेंस है आउटपुट वोल्टेज वी नॉट और इनपुट वोल्टेज वी आई का दैट इज़ बेसिकली अ फिक्स लेवल विच इज़ लाइक यू नो के हमारे पास जो नी वोल्टेज है इन टर्म्स ऑफ अगर हम सिलिकॉन को कंसिडर करें सो इट इज़ 0.7 वोल्ट. सो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो बराबर होगा इनपुट माइनस द नी वोल्टेज जो कि हमें फिगर 2.48 में नज़र भी आ रहा है. सो इस पर्टिकुलर केस में जहां हम सिलिकॉन के डायोड को कंसिडर करते हैं तो जो नेट इफेक्ट है वो बेसिकली इट इज़ अ रिडक्शन इन एरिया अबव द एक्सिस जो जिसकी वजह से जो हमारा रिजल्टिंग डीसी वोल्टेज लेवल है दैट विल बी रिड्यूस्ड. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें पता है कि जो हमारा वी एम है जो हमने पिछले आइडियल के केस में देखा था कि किस तरीके से वी डी सी वॉज इक्वल्स टू 0.31 इंटू वी एम. सो हेयर वी एम विल बी वेरी मच ग्रेटर देन वी के क्योंकि वी के जो है वो 0.7 है वी एम हैज़ अ सर्टन वैल्यू डी सी वैल्यू जो हमारे पास वोल्टेज की गिवन है. सो इस इक्वेशन में जो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हमारे पास जो बेसिकली हम डिटरमाइन करें अगर एवरेज वैल्यू विद रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी. सो यहाँ इस केस में डीसी जो हमारा वोल्टेज है दैट विल बी नियरली इक्वल टू यू कैन से के 0.31 वी एम माइनस वी के बिकॉज ऑफ दिस सिलिकॉन डायोड का जो नी वोल्टेज है वो सब्ट्रैक्ट होगा फ्रॉम द वी एम वैल्यू. नाउ वी नो के वी एम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर देन है एज़ कम्पेयर टू वी के. तो इक्वेशन नंबर 2.7 जो हमने इससे पिछली स्लाइड में डिस्कस की थी दैट मे बी ऑफन अप्लाइड एज अ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर फाइंडिंग दी वी डी सी यानी वोल्टेज इन डी सी. So after completing the discussion about half wave rectification we will be starting an example 2.16. यहाँ पे first part में we have to sketch the output V naught and we need to find out the value DC level of the output for the network जो कि हमें figure 2.49 में नज़र आ रहा है. Before we start first we have to consider this डायग्राम ऑफ नेटवर्क ऑफ एग्जाम्पल 2.16 जो कि हमें फिगर 2.49 में नज़र आ रही है वेयर वी हैव अ डायोड दैट इज़ कनेक्टेड विद गिविंग एन इनपुट सिग्नल और वहाँ हमारे पास 2 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस भी मौजूद है. सो इफ़ यू कैन सी विद दिस डायग्राम वी कैन क्लियरली सी के बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जो डायोड है वो जब नेगेटिव बेसिकली हमारे पास साइकिल होगा या नेगेटिव पार्ट होगा इनपुट का उस वक्त कंडक्ट करेगा बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन हमारा जो डायोड है वो रिवर्स बाइज है
और रिवर्स बायस का मतलब ये है कि इट विल बी रिप्लेस विद एन ओपन सर्किट इन द इक्विवेलेंट जो हमारी जो नेटवर्क होता है. सो एज विद द डायग्राम अगर मैं इसका रिजल्टिंग वी नॉट सर्किट ड्रॉ करूँ, सो यू कैन सी इन फिगर 2.50 कि जहाँ पे हमने नेगेटिव जो पार्ट है ऑफ द इनपुट, यानी हमने वी आई की जो बेसिकली हमारे पास नेगेटिव बाइसिंग नेगेटिव जो सोर्स है, दैट विल हेल्प अस टू हैव यू नो फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ दिस डायोड. सो फॉर द फुल पीरियड अगर हम कंसिडर करें डीसी लेवल का, तो द इक्वेशन विल बी वी डी सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.318 वी एम एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी एम विच इज 20 जो कि हमें इसके रिस्पॉन्स से इनपुट रिस्पॉन्स में नज़र आ रहा है, सो वील गेट -6.36 वोल्ट्स. सो हेयर इन पर्टिकुलर हमारे पास जो आउटपुट है इस हाफ वेव रेक्टिफायर का, यू कैन सी कि यहाँ पे जो पॉजिटिव साइकिल है, दैट पॉजिटिव साइकिल हैज़ बीन एलिमिनेटेड, और जो नेगेटिव साइकिल है वहाँ पे जो है वो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर का रिस्पॉन्स आ रहा है, बिकॉज द इनपुट दैट हैज़ बीन गिवन उसमें हमारे पास जो रिवर्स्ड जो गिवन नेटवर्क है उसमें रिवर्स जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर हम वी इनपुट की पोलैरिटी देखें तो डायोड विल बी रिवर्स बायस. सो विद दैट बेसिकली द नेगेटिव साइन वो हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जो पोलैरिटी है ऑफ दिस आउटपुट इज ऑपोजिट टू द डिफाइंड पोलैरिटी जो कि 2.49 फिगर में हमें नज़र भी आ रही है. सो टू कंटिन्यू विद आर एग्जाम्पल ऑफ 2.16 हमें बी पार्ट में जो है जो हमने पार्ट ए में बेसिकली यहाँ पे जो डायोड कंसिडर किया था दैट वॉज एन आइडियल डायोड, तो पार्ट बी में हमने बेसिकली सिलिकॉन डायोड की को सपोज करना है. सो कंसिडरिंग द सिलिकॉन डायोड अगर हम कंसिडर करेंगे, सो वी कैन गेट द आउटपुट ऑफ टू फिगर 2.51 जो कि हमें शो हो रहा है बेसिकली, और यहाँ पे वी कैन सी के जो वी डी सी का जो फॉर्मूला है दैट बिकॉज ऑफ दिस सिलिकॉन डायोड इट विल बी नियरली अबाउट इक्वल टू -0.318 वी एम -0.7 बिकॉज ऑफ दिस सिलिकॉन, एंड वी हैव दिस वी डी सी वैल्यू विल बी -6.14 वोल्ट्स. सो बेसिकली वी नो के जो रिजल्टिंग ड्रॉप है डी सी लेवल में इट इज अराउंड 0.22 वोल्ट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस केस, सो वी कैन से इट इज़ अबाउट 3.5% यू नो ड्रॉप इन द डी सी लेवल जो हमने आइडियल के केस में कंसिडर किया था. एंड विद दैट बेसिकली वी कैन सी के 2.51 में वी हैव द इफेक्ट ऑफ वी के ऑन द आउटपुट के जहाँ हमने 20 वोल्ट -0.7 सो इट विल बी 19.3 वोल्ट जहाँ पे हमें इसकी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन या हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट नज़र आ रहा है यहाँ. सो इन पार्ट सी वी हैव टू रिपीट पार्ट ए एंड बी जहाँ जबकि हम जो वी एम की वैल्यू है वी कंसिडर के दैट इज़ इंक्रीज टू 200 वोल्ट जो कि हमारे पास गिवन है, और नाउ वी हैव टू कंपेयर द सोल्यूशंस यूजिंग 2.7 एंड 2.8. तो जब हम 2.7 में कंसिडर करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी एम, तो जो इक्वेशन थी दैट वॉज वी डी सी -3.18 इंटू वी एम, और यहाँ पे जब हम 200 वैल्यू इसमें रखते हैं तो वी गेट -63.6 वोल्ट्स. इसी तरीके से जब इक्वेशन 2.8 हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे एंड वी पुट द वैल्यू ऑफ वी एम एस 200 वोल्ट्स, तो वी गेट द वैल्यू एज -63.38 वोल्ट्स. सो बेसिकली नाउ हेयर इज द 63.38 जो कि हमें सिलिकॉन के केस में मिला है, सो दैट इज़ द डिफरेंस that can certainly be ignored for most applications because we can see के part C में जो offset है और drop है in amplitude because of that voltage V के that is not basically typical जो कि oscilloscope में we get it as a full pattern will be displayed. So now we are discussing the peak inverse voltage या जिसको हम peak reverse voltage भी कहते हैं, that is basically the rating जो होती है हमारी diode की.
And that is very important in designing the different rectification systems. इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं कि बेसिकली जो वोल्टेज रेटिंग है जिसको एक्सीड हम कहते हैं नहीं होना चाहिए इन द रिवर्स बायस रीजन, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व डिस्कस किया था. अदरवाइज जो डायोड है वो इट विल एंटर इनटू द ज़ीनर एवलांच रीजन. तो इसीलिए जो पीआईवी रेटिंग है हमारी, यानी पीक इन्वर्स वोल्टेज रेटिंग जो है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, इट कैन बी डिटरमाइंड लेट्स से विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर 2.52, जहाँ पे वी आर डिस्प्लेइंग के जी जो रिवर्स बायस डायोड है जो हमने इससे पहले फिगर 2.44 में देखा था, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर की बेसिकली हमने डायग्राम देखी थी कि जहाँ हम वी वर अप्लाइंग द मैक्सिमम अप्लाइड वोल्टेज. सो व्हेन वी अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वी नो के जी वी इट इज़ वेरी ऑब्वियस के जो पी आई वी रेटिंग है डायोड की, दैट मस्ट बी इक्वल टू और इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन, वी कैन से के पी आई वी रेटिंग मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू द पीक वैल्यू जो हमारे पास वी एम की आई थी वहाँ पे, जो भी अप्लाइड वोल्टेज था. सो देयरफॉर द पी आई वी रेटिंग फॉर दिस हाफ वेव रेक्टिफायर केस इज बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वी एम. सो विद दैट वी एंड अप द डिस्कशन अबाउट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग द डिस्कशन अबाउट फुल वेव रेक्टिफिकेशन. टू स्टार्ट द डिस्कशन ऑन फुल वेव रेक्टिफिकेशन, वी कंसिडर द ब्रिज नेटवर्क के जहाँ पे हमारे पास जो डी सी लेवल जो ऑब्टेन किया था हमने फ्रॉम अ साइनसॉइडल इनपुट, बेसिकली वी कैन इम्प्रूव दिस 100% यूजिंग द प्रोसेस जिसको हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन. तो जो मोस्ट फेमिलियर हमारे पास जो नेटवर्क है जो इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, सच ऑफ दीज नेटवर्क कैन बी सीन इन फिगर 2.53, जहाँ पे हमारे पास चार डिफरेंट डायोड जो हैं कनेक्टेड हैं बेसिकली इनपुट सोर्स के साथ इन अ ब्रिज नेटवर्क. सो लेट्स से इफ़ वी कंसिडर द वेव फॉर्म शोन इन फिगर 2.53, के जहाँ पे टी की जो वैल्यू है फ्रॉम 0 to T/2, यानी हाफ ऑफ द पॉजिटिव साइकिल, तो जो पोलैरिटी है इनपुट की दैट इज़ बेसिकली शोन इन फिगर 2.54. तो इफ़ वी कैन सी इन दिस पर्टिकुलर फिगर 2.54, तो जो रिजल्टिंग पोलैरिटीज हैं हमारे पास अक्रॉस दीज आइडियल डायोड्स, सो वी कैन क्लियरली सी के हमारे पास जो डायोड यहाँ पे कनेक्टेड हैं, इनमें डायोड D2 और D3, ये दो डायोड्स जो हैं बेसिकली कंडक्टिंग स्टेट्स में हैं, वेरस जो डायोड D1 और D4 हैं ये दोनों ऑफ स्टेट में है इस पर्टिकुलर डायग्राम में. सो तो जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कशन की कि वी नो के जी डायोड्स जो D1 एंड D4 हैं वो ऑफ स्टेट में हैं, वेयर एज D2 और D3 जो है दे आर कंडक्टिंग. तो जो हमारे पास फिगर 2.55 में जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाया है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का, तो वहाँ पे हमने शॉर्ट सर्किट से इन सर्किट्स इन पर्टिकुलर डायोड D2 और D3 को रिप्लेस किया और D1 और D4 को ऑफ स्टेट हैं तो हमने ओपन सर्किट से. सो बिकॉज ऑफ दैट जब ये हमारे पास जो कंडक्शन है वो बेसिकली आउटपुट जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल वो एज इट इज़ हमारे पास जो भी इनपुट में था आउटपुट वेव फॉर्म में भी वो इन कंडक्शन डायोड्स की वजह से जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है वोल्टेज दैट इज़ VM. अब यहाँ पे क्योंकि हम आइडियल डायोड कंसिडर कर रहे हैं, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल जब हम अब पोलैरिटी चेंज करते हैं इनपुट वोल्टेज की विच इज़ नेगेटिव रीजन, तो इनपुट कंडक्टिंग डायोड हमारे D1 और D4 बनेंगे, तो जो रिजल्टिंग कॉन्फिग्रेशन है वो 2.56 में वी कैन सी. और वेव फॉर्म इसी तरीके से जो नेगेटिव वोल्टेज है उसमें हमारे पास जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में दो डिफरेंट जो डायोड्स हैं D1 और D4 वो कंडक्ट करेंगे. दैट्स व्हाई वी हैव पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम T/2 to T. सो नाउ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो यहाँ पे हमें देखना ज़रूरी है कि जो पोलैरिटी है अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस वो दोनों केसेस में जो हमने इसे प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया कि जब हमारे पास
D1 और D4 में बेसिकली कंडक्शन थी, या दूसरे केस में जब D2 और D3 में कंडक्शन थी, दोनों ही केसेस में बेसिकली जो रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस, वो उसकी पोलैरिटी जो है इट विल बी द सेम, जो कि हमने 2.54 में देखी थी. सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोलैरिटी की वजह से यू कैन सी के 2.56 में जो हमारे पास आउटपुट वेव फॉर्म बन रही है फॉर वी नॉट, वी विल हैव अ सेकेंड पॉजिटिव पल्स जो कि हमें नज़र आ रही है. सो इन दिस वे कंपेयरिंग टू द हाफ वेव रेक्टिफायर के जहाँ पे जो नेगेटिव हाफ साइकिल था, या फॉर द हाफ ऑफ द साइकिल वेदर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव, वी हैव सीन के जी हमारे पास जो सिंगल जो पॉजिटिव या हाफ नेगेटिव में से किसी भी एक हाफ साइकिल में बेसिकली आउटपुट जनरेट होता था, वेरस दूसरी केस में हमारे पास वो एक ज़ीरो में बेसिकली वो वैल्यू पहुंचती थी. बट नाउ इन दिस केस जहां फुल वेव रेक्टिफायर की हम बात करते हैं, क्योंकि यहां पे जो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है डायोड की पोजीशनिंग है, दैट हैज़ इनेबल्ड के जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम आउटपुट वोल्टेज मेजर करें, सो वी विल हैव दैट आउटपुट वोल्टेज एज द टू डिफरेंट पॉजिटिव पल्सेस दैट वी अचीव इन दिस पर्टिकुलर केस. सो कंसिडरिंग के जी हमारे पास इनपुट और आउटपुट वोल्टेज की अगर हम बात करते हैं, तो ओवर वन फुल साइकिल, यानी इफ़ वी कैन सी इन फिगर 2.57 जहां पे हमें इनपुट वोल्टेज की जो वेव फॉर्म नज़र आ रही है एक साइन वेव, सो इफ़ वी कंसिडर के जी एक पूरी जो साइकिल है विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to t, तो उस पर्टिकुलर इनपुट साइकिल के लिए द आउटपुट साइकिल बेसिकली वी विल हैव अ फुल साइकिल देयर इन द आउटपुट वोल्टेज जो कि हमें 2.57 में नज़र आ रही है. द इम्पॉर्टेंट थिंग है इसके जो एरिया है अबव द एक्सेस फॉर वन फुल साइकिल, वो बेसिकली इज नाउ ट्वाइस दैट वी वर गेटिंग इट इन द हाफ वेव सिस्टम जो हमने देखा था, उसके मुकाबले में यहाँ पे जो फुल साइकिल है दैट इज़ नाउ द ट्वाइस एज कम्पेयर टू द हाफ वेव साइकिल. तो कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट के जी ये हाफ वेव से ट्वाइस है, तो जो हमने इक्वेशन नंबर 2.7 देखी थी विच वॉज 0.3 VDC जहाँ पे हमारे पास 0.31 into VM था, सो इन दिस पर्टिकुलर केस फुल वेव के केस में दैट इक्वेशन विल बिकम ट्वाइस इन टू दैट इक्वेशन नंबर 2.7. सो वी विल सी वी कैन सी के 2 × 0.318 इंटू VM. सो द ओवरऑल फुल वेव की अगर मैं DC वोल्टेज की बात करूँ, तो वो यहाँ पे हमारे पास 0.636 इंटू VM बन जाता है. ओके, सो इन द प्रीवियस केस हमने फुल वेव रेक्टिफायर की जो के देखा था, हमने आइडियल डायोड कंसिडर किया था. नाउ इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड अगर हम सिलिकॉन डायोड को कंसिडर करें रादर देन द आइडियल डायोड जो कि इस फिगर 2.58 में हम यूज़ करते हैं, तो जो एप्लीकेशन है, लेट्स से इफ़ यू अप्लाई द क्रिच ऑफ वोल्टेज लॉ अराउंड दिस पाथ जो कंडक्शन कर रहा है, तो उसमें हमारी इक्वेशन बनती है वी इनपुट माइनस वी ऑफ के बिकॉज ऑफ दिस डायोड जो के वन ऑफ द डायोड हमारे पास है, इसके बाद माइनस वी नॉट एंड देन अगेन माइनस वी के एंड दैट सेकेंड वी के इज जो हमारे पास दूसरा डायोड है जो कंडक्शन मोड में है एंड दैट द इक्वेशन विल बी इक्वल टू जीरो. सो फ्रॉम हेयर वी गेट द आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज माइनस टू वी के. तो यहाँ पे हमें नज़र आता है कि हमारा जो पीक वैल्यू है आउटपुट वोल्टेज की, इट कैन बी देयरफॉर द वी नॉट मैक्स जिसको हम कहते हैं बेसिकली, एंड इट इज़ इक्वल्स टू VM माइनस टू वी के बिकॉज ऑफ दीज टू वी हैव टू डिफरेंट डायोड्स ऑफ सिलिकॉन. इसी तरीके से जो सिचुएशन हमने पहले के हाफ वेव रेक्टिफायर में भी देखा था कि VM की वैल्यू इट इज़ सफिशेंटली वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू अगर हम VK को देखें, तो यहाँ पर क्योंकि दो डायोड हैं तो देयरफॉर वी विल हैव टू VK. सो जो इक्वेशन है दैट कैन बी अप्लाइड फॉर द एवरेज वोल्टेज विद दिस रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी, वी कैन हैव द DC वोल्टेज VDC विच इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू दिस 0.636 इन टू VM माइनस टू VK.
एंड अगेन एज वी डिस्कस के जी ये जो VM है दैट इज सफिशेंटली वेरी लार्ज देन या ग्रेटर देन दिस 2VK, तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 2.10 थी इट कैन बी अप्लाइड एज अ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर दिस लेट्स से फॉर दिस वोल्टेज इन DC. So now here again considering the full wave rectification में अगर मैं PIV की बात करूँ जो हमने जैसे half wave rectifier में भी बात की थी so now in this case of PIV where we are considering the ideal diode figure 2.59 basically it can be helpful to determine this PIV and basically जो हमारे पास positive region है input signal का फॉर दिस पर्टिकुलर इंडिकेटेड जो लूप हमें यहाँ नज़र आ रहा है द मैक्सिमम वोल्टेज जो रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस है दैट इज़ VM और इसीलिए जो हमारा PIV रेटिंग है दैट इज़ अगेन सिमिलर टू दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर विच इज़ PIV इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ VM. सो इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैड अ डिस्कशन अबाउट फुल वेव रेक्टिफिकेशन और जहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिज नेटवर्क के थ्रू बेसिकली बाय यूजिंग 4 डिफरेंट डायोड्स वी कैन हैव अ फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में बेसिकली वी विल हैव एन आउटपुट बेसिकली कि जहाँ हमने देखा कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइकल्स के लिए इनपुट के हमारे पास पॉजिटिव एंड पे जो है वो आउटपुट जनरेट हुआ था. So now we are discussing another way of full wave rectification which is center tapped transformer. Basically as you can see in figure 2.60 के जहाँ पे हमारे पास we have a secondary and primary winding and from primary side हमने जो है वो एक VI input जो है वो apply किया है and apart from that we have this CT which is a center tap transformer where we have two different diodes D1 and D2. So in this particular case, if we consider okay, during the positive portion of VI, अगर हम consider करें जो primary side पर apply हो रहा है तो network के basically हिसाब से हमारे पास positive pulse जो generate हो रही है across the each section of the secondary coil. So इस case में D1 जो है वो short circuit होगा equivalent circuit में जैसे हम देख सकते हैं figure 2.61 में, whereas D2 जो है वो open circuit होगा because of the reverse bias. और इसी वजह से जो आउटपुट वोल्टेज है दैट कैन बी अपेयर्ड दैट इज अपेयर्ड इन फिगर 2.61 दैट वी हैव कि जब हमारे पास D1 जो है वो शॉर्ट है एंड D2 इज ओपन. सो कंपेयरिंग टू द प्रीवियस केस के जहाँ पे हमने बेसिकली जो जो इनपुट सिग्नल है उसकी जो डायरेक्शन देखी थी उस हिसाब से वी वर हैविंग D1 जो था वो शॉर्ट सर्किट से हमने रिप्लेस किया और जो D2 था उसको हमने ओपन सर्किट कंसिडर किया. सो वी हैव दैट पॉजिटिव साइकिल एट द आउटपुट वोल्टेज प्लॉट जो हमें वेवफॉर्म नज़र आ रही है फ्रॉम 0 to T/2. नाउ इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड यहाँ पे हमने जो नेगेटिव पोर्शन है नेटवर्क का जैसे कि यू कैन सी इन फिगर 2.62 कि जहाँ प्राइमरी साइड पे जो इनपुट वोल्टेज है VI प्राइमरी कॉइल के ऊपर दैट इज़ नाउ चेंज एंड इट इज़ नाउ द नेगेटिव पोर्शन ऑफ द नेटवर्क जो हमें नज़र आ रहा है. सो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास डायोड्स D1 और D2 थे इनकी भी इनका भी जो डायरेक्शन है दैट विल बी नाउ रिवर्स. सो इवन इफ इट्स रिवर्स यहाँ पे जिस तरह पिछले हमारे पास स्लाइड में जो D1 था वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हुआ बिकॉज ऑफ द कंडक्शन और D2 को हमने ओपन सर्किट रखा, यहाँ पे अब D1 ओपन सर्किट है और जो D2 है दैट इज़ रिप्लेस्ड विद द शॉर्ट सर्किट बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव पोर्शन ऑफ द सप्लाई इनपुट सप्लाई. तो इस केस में इवन दो हमारे पास नेगेटिव पोर्शन ऑफ द नेटवर्क हम कंसिडर कर रहे हैं लेकिन अगर हम आउटपुट वोल्टेज कंसिडर करें रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस तो उसकी पोलैरिटी या उसका जो वोल्टेज है अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस दैट विल बी द ऑफ द सेम पोलैरिटी. तो जिसकी वजह से जो अगर हम नेट इफेक्ट देखें बेसिकली अगर फिगर 2.57 को कंसिडर करते हुए तो जो नेट इफेक्ट है फुल वेव रेक्टिफायर का इन दिस सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर
वो बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों ही के लिए पॉजिटिव रिस्पांस आपके पास यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है इन बोथ डायग्राम्स ऑफ 2.57 एंड 2.62. So basically this is the way other than that bridge network के जिसके हम basically center tapped जो transformer है उसके through किस तरीके से हम full phase rectification achieve कर सकते हैं. So as we had a discussion in half wave rectifier or full wave bridge rectifier या bridge network के through जो हमने discussion की थी उसमें हमने peak inverse voltage या PIV किस तरीके से measure किया था. Similarly इस center tab transformer के case में भी if we want to determine the value या net PIV across each diode, so you can see that figure in 63, which will help to determine the PIV level for the diodes of the current this CT transformer of the full wave rectifier. So this is basically the diagram. और उसी के साथ साथ basically we know के जब हम maximum voltage बात करते हैं secondary voltage यानी secondary coil के across तो और VM की बात करें जहाँ पे हम तो जो हमारी adjoining loop हैं वहाँ पे PIV basically it will be equal to V secondary plus VR and VR we know के ये voltage है across the resistance. And basically because of this center tapped transformer जो हमने discuss किया है it is V secondary और VR दोनों ही VM हैं basically. So that's why we have VM plus VM. So basically when we discuss about PIV it will be greater than equals to 2 VM for this full wave CT transformer full wave rectifier. Okay, now we will consider an example 2.17 for this full wave rectification case. यहाँ पे हमारे पास figure 2.64 में एक network given है, basically bridge network, जहाँ we are required to calculate the output DC level and with that we need to find the required PIV for each of the diodes. If we closely see this figure 2.64 जहाँ हमें bridge network given है, इस particular bridge network में basically instead of using 4 diodes हम 2 diodes का इस्तेमाल कर रहे हैं and the voltage input voltage that has that we have in the positive and negative half cycle is 10 volts. So basically in this particular figure अगर हम देखें तो positive half cycle के लिए हमारे पास जो diode hai which is on the right side it will be conduct in the conduction state isliye humne usko short circuit se replace kiya hai whereas jo left side pe diode tha that will be reverse bias jiski wajah se humne isko open circuit se replace kiya hai. So yahan pe figure 2.65 mein humne jo circuit redraw kiya hai for the positive region of the input voltage we can see ke is particular configuration mein hamare paas basically we can redraw this 2.65 का जो network है उसको जैसे हमने 2.66 में redraw किया है where we have two series resistances of 2 kilo ohms each and across one of these 2 kilo ohms resistance we are required to find the output voltage और इसी के साथ साथ एक 2 kilo ohm का resistance जो है वो हमारे पास parallel में connected है. So here we can see कि जो हमारा output voltage है वो basically half होगा of the input voltage as we can see from the circuit itself. तो considering this point we can say कि जी this V naught is V naught max we can say the maximum voltage value जो हमें achieve होती है and that is basically half of that input voltage of the maximum value. So यहाँ पे अगर हम VI max की जो वैल्यू हमें इनपुट पे गिवन है 10 वोल्ट्स की उसको अगर रखें तो वी गेट टू नो कि जी हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है आउटपुट मैक्सिमम वोल्टेज है वो 5 वोल्ट तक जाएगा. So similarly we can consider कि जी जब नेगेटिव पार्ट या नेगेटिव साइकिल के लिए हम देखें इनपुट वोल्टेज को तो जो रोल हैं डायोड्स के यानी जो हमारे पास राइट वाला शॉर्ट हो रहा था पॉजिटिव के केस में और लेफ्ट वाला ओपन था अब जो है वो लेफ्ट वाला शॉर्ट होगा और राइट वाला ओपन सर्किट से हम रेडी इसको रिप्लेस कर सकते हैं.
So we have not drawn the network basically for the negative region of input voltage, lekin 2.67 mein you can see the resulting output jo hame achieve hoga for the negative part, jahan pe output is again wo 5 volt se zyada exceed nahi karega. To yahan वी गेट टू नो कि जो इम्पोर्टेंस है, जिस तरह हमने जो नॉर्मल हमारे पास जो ब्रिज रेक्टिफायर था उसमें हम 4 डायोड्स का इस्तेमाल करते थे, बट हियर वी हैव यूज 2 डायोड्स ओनली. तो 2 डायोड्स का जो हमें एडवांटेज या आप कह लें जो बेनिफिट है यहाँ पे, विच इट इज़ के जो इफेक्ट है 2 डायोड रिमूव करने का, वो ये कि जो ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन थी वो तो मौजूद थी, लेकिन उसमें 2 डायोड के इस्तेमाल की वजह से बेसिकली जो हमने अवेलेबल एक डीसी लेवल था उसको हमने रिड्यूस कर दिया बेसिकली, बिकॉज बिफोर इट वाज लाइक 10 वोल्ट्स तक ही जाता था वो आइडियल के केस में हम अगर बात करें, लेकिन यहाँ पे अब वी हैव मेड इट हाफ, लाइक 10 से वो अब 5 वोल्ट हमें अचीव होता है. सो इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट दी डीसी वोल्टेज, इट विल बी यू नो फ्रॉम द फॉर्मूलेशन, इट इज़ 0.636 into VM, or we know ki ji this is for the full wave rectifier. Half wave ke case mein ye VDC ka formula humne dusra discuss kiya tha, you can see in the previous slides. To yahan agar hum VDC malum karein, so that will be 3.18 volts. Now ab agar hum consider karein, to that will be somewhere available from the half wave rectifier ki agar hum baat karein, we will have the same input basically. So considering again to find out the value of PIV, yani peak inverse voltage, agar hum determine karna chahte hain, recall from the figure 2.59 jo humne full wave rectification ka kis tarike se PIV ki value hum dekh sakte hain, so we know ke it is equal to the maximum voltage jo ke resistance R ke across hume mil raha hai, and that वोल्टेज वी नो के वो 5 वोल्ट है जो हमें मिला है, और हाफ ऑफ दैट इज रिक्वायर्ड बेसिकली फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर विद द सेम इनपुट. सो विद दैट वी एंड अप विद द डिस्कशन ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन. हमने यहाँ देखा इस लेक्चर में कि किस तरीके से बेसिकली हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के थ्रू जो इनपुट है उससे बेसिकली वी गेट द पल्सिएटिंग डीसी आउटपुट. इसी तरीके से व्हाट इज़ द पीआईवी वैल्यू टू अचीव फ्रॉम द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. फिर हमने फुल वेव रेक्टिफिकेशन डिस्कशन की और वहाँ पे हमने पहले ब्रिज नेटवर्क के थ्रू देखा किस तरीके से फुल वेव रेक्टिफिकेशन अचीव होती है, और उसके बाद दूसरा जो हमने तरीका देखा दैट इज़ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर. सो विद दैट वी एंड अप द लेक्चर फॉर टुडे. वी विल बी डिस्कसिंग न्यू टॉपिक्स इंशाल्लाह. Till then, thank you very much, and Allah Hafiz.